हमारे लिए एक सबसे पहले आने वाला पेशेंट था. हमें पता नहीं था कि ऐसे हालत में आने वाला कोई पपी जिंदा रहेगा भी नहीं. उसका एक पांव बुरी तरह से कुचल चुका था और एक पांव भी काफ़ी हद से इंजर्ड था. उसे ठीक करने के लिए हमारे पास वेटनेरियंस थे. हमारा शेल्टर जस्ट शुरू हुआ था और पहली नज़र से देखने में हमें ऐसा लगा कि पता नहीं ये जिंदा रह पाएगा भी नहीं. लेकिन बिना हिम्मत हारे हुए हमने उस हमसे जो भी बन पड़ता था वो हमने किया. उसका एक पांव काटना पड़ा. एंड व्हेन वी गॉट हिम हिज राइट फोरलिम वाज टोटली क्रश्ड एंड bone is all exposed and his condition was also not good because he was very young, very dehydrated, very debilitated because he can't survive. He was on the road. He was not having his mother also. And yeah, the most important treatment is love. All the members of team Prayas love him a lot and because of the love he recovered very well. And like now you can see his muscles. He developed the strength on his hind leg muscle. He developed how to walk on 2.5 limbs. He's a lucky charm for Prayas because uske aane ke baad Prayas ka condition, like you can see now, we have shelter, we have cages, we have OT room, we have OPDs, and we are going to settle a private clinic for pets also. So he's a lucky charm for Prayas. वो उसको लगता होगा कि हम उसके लिए blessing हैं, but we all think that he is our blessing. Thank you, Kangaroo. Thanks a lot. Can you talk to me? Ooh, once. Ooh. No, he's not in a mood to say anything. अपनी जगह पे अभी सोने का कैसे? गाड़ी यहाँ तक गई. अच्छा बे. डॉग्स नेवर लूज होप अनलेस वी डू. तो ये ऐसा हो गया कि हम कांगारू को देख के इंस्पिरेशन लेते रहे और कांगारू हमें देख के होप लेता गया. नॉट ऑल हीरोज कम विथ केप एंड मास्क. दे सिट ऑन देयर टेल. So that's where the name comes from. एक छोटी सी शॉप जो रेंटेड थी उसमें हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर और ओपीडी बनाकर ये वर्क शुरू किया. हम जब भी 5 या 6 एनिमल्स को ट्रीट कर पाते थे एक साथ. टीम ने कभी भी अपना हौसला नहीं हारा और 3 या 4 साल में हम लोगों के पास ऐसा एक शेल्टर है जिससे हम लोग इससे 5 गुना एनिमल्स की हेल्प कर पा रहे हैं.